हर साल की तरह इस साल भी जलगांव जिले के पालदी में ब्रह्मोत्सव बड़े ही शानदार ढंग से मनाया जा रहा है। इस बार श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए विशेष रूप से लगभग 25 भक्त विश्राम कक्ष बनाए गए हैं। 24, 25 और 26 दिसंबर को होने वाले ब्रह्म महोत्सव में जिला भर से तथा राज्य के हजारों की संख्या में साई भक्तों के आने की संभावना है। संगीतमय सुंदरकांड इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहेगा। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देने हेतु आयोजक द्वारा एक विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर सुनील झंवर, राजेश दोषी सहित अन्य सदस्यों की मौजूदगी रही। मेरे घर के आगे साईराम तेरा मंदिर हो जाए, जब खिड़की खोलू तो तेरे दर्शन हो जाए। हर साल की तरह इस साल भी पालदी में होने वाला भव्य दिव्य ब्रह्म महोत्सव बड़े ही शानदार ढंग से मनाया जाना है और तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मालूमात लेने के लिए है इस मंदिर के ट्रस्ट आयोजक और व्यवस्थापक राजेश जी दोषी। किस तरह की तैयारियां अभी की जा रही है? हमारे यहाँ पिछले 13 साल से जो हम ये ब्रह्मोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए 24 तारीख के लिए सुंदरकांड के लिए की तैयारी, उसमें कलाकार बुलाए हुए हैं। 25 तारीख को भजन संध्या, उसके लिए अलग कलाकार है, और 26 तारीख को सुबह अभिषेक होता है और शाम को 1 लाख लोगों के प्रसाद की भंडारे की व्यवस्था की गई है। उसके लिए मंडप व्यवस्था, स्टेज व्यवस्था, कलाकार की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था करीब करीब अंतिम चरण पे आ चुकी है और उसकी तैयारियां चल रही है और कल से अब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उस तरीके के करीब करीब पूरा हम काम कर चुके, आयोजन कर चुके हैं। आयोजन करने के लिए हमने उनको बुलाया है और इस टाइम पे हमारी तैयारी बैठक व्यवस्था कम से कम 8,000 से 10,000 लोगों की व्यवस्था की हुई है कि जितने लोगों हर साल आते ही है उतने लोगों के लिए सुंदरकांड की व्यवस्था की हुई है। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आप तक से बात करने के लिए। कैमरामैन चेतन गावंडे के साथ मैं अयाज मोहसिन, इंडिया आप तक के लिए।